सर ये 20वीं सदी के व्यापार की कुछ स्टाइल्स थी, 20वीं सदी के जो व्यापार होते थे, इसमें पुरानी मानसिकता थी गल्ला पर बैसवा दो, जनता पगड़ी संभाल सेठा तो गद्दी संभाल, है ना, गद्दी पे बैठने का। जबकि 21वीं सदी में क्या है, बाहर निकलो, अच्छा ज्ञान, अच्छे रिसोर्सेस, अच्छा टैलेंट बाहर से लेकर आओ, कंपनी को मजबूत बनाओ। ये 21वीं सदी का व्यापारी आपको देखने करते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी नए जमाने के सक्सेसफुल स्टार्टअप को देख लो, आप पेटीएम का कहानी सुने हो, पहले तो ये बताओ किस किसने आईपीओ पे इन्वेस्ट किया था, कांग्रेचुलेशन, राइट, भले ही थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा सर आपका, है ना, लेकिन कहानी मजबूत है उसकी, है ना। कौन है पेटीएम के फाउंडर, थोड़ा जनरल नॉलेज भी चेक हो जाए, हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम। देखो हम सब व्यापार वाले हैं और हमको व्यापार की दुनिया की एक भी समाचार पता, वंडरफुल सर, किरण भाई के लिए एक बार पहले तो तालियां होंगी, विजय शेखर शर्मा, है ना। पता है आपको शुरू में इनके पास लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे, क्या पैसे नहीं थे सर, सैलरी देने के पैसे नहीं थे, और वो काम कौन सा करवाते थे पता है, दो आदमी सिर्फ डेटा एंट्री के लिए रखे, उनको पैसा देने को नहीं था, बाहर जॉब करते थे, कंपनी तो अपना ही है, बाहर जॉब करते थे, वहां से 25,000 सैलरी आए तो 10,000 इसको, 10,000 इसको, खुद से 5,000 लेके घर पर कंपनी चलाने। इससे बुरा वाला कोई कहानी आपके पास हो तो मेरे को सिखा, मेरी और आपकी कहानी इससे बुरी हो तो मुझे बता। हमको ये मानसिकता डाल दी जाती है कि पैसा हो, नसीब हो, दोस्तार हो, साथ हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, तो पाए। दुनिया की कोई भी सफल कहानी आप देखिए, कुछ ना हो ना, उन्होंने ज्यादा कोशिश की हो, जिनके पास है ना उनको ज्यादा पड़ी भी नहीं है। माय फ्रेंड, इसका मतलब हुआ जिसके अंदर भूख है, तलब है, चाहत है, कुछ कर दिखाने की कोशिश है, जरूरत है, उन्होंने सबसे ज्यादा किया है दुनिया। बाकी सब तो क्या है, रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस है, पैसा क्या है, रिसोर्सेस संसाधन है, वो कोई आपका ताकत, हम उससे मदद मिल जाता है, लेकिन वही करता है ऐसा तो पैसे बगैर वालों ने अच्छी कंपनी बनाई है कि नहीं बनाई है कि नहीं बनाई है, कौन बोलता है पैसे से ही कंपनी बनता है, अगर पैसे से बनता भी है तो इन्वेस्टर है अपने पास, बैंक से अपने पास, फाइनेंशियल प्लानिंग है अपने पास, उससे काम करो, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, ज्ञान तो है, पैसा किधर से लाने का, वो ज्ञान तो कम से कम ले आते, वहां से आ जाता पैसा। ये देश, हमने शुरू में बात किया था ना, ये देश महान है, बताओ कितना महान है। इस लड़के ने यूपी में फर्स्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ था, आपको पसंद हो ना हो डजंट मैटर, मुझे पसंद है नहीं है डजंट मैटर, बात यह है पहला लोकसभा का इलेक्शन था, लोगों के पास घर घर गया, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया, लोगों ने 75 लाख रुपया कितना इलेक्शन लड़ने के लिए दे दिया, क्या करने के लिए, कन्हैया कुमार यूपी इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन, 75 लाख रुपया लोगों ने इलेक्शन लड़ने के लिए दिया सर। मैं और आप व्यापार करते हुए पॉलिटिक्स से तो कहीं बढ़िया अपना पैसा, आपको तो भरोसा है ना अपने व्यवसाय पे, हम बेहतर काम करते ना, हमारे काम करने से 100% लोगों को फायदा होता, मुझे पॉलिटिशियन का नहीं पता, पर व्यापारी से 100% लोगों को फायदा। हम और आप नॉर्मल व्यवसाय में हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देते, उसको चाहत थी वो करने की तो उसको मिला, हमको चाहत होगी तो हमको भी मार्केट पैसा तो देगा, राइट, वो चीज हम सीखते, राइट। एंड 20वीं सदी के व्यापारी सैलरी को एक्सपेंस समझते थे सर, पगार इतने खर्चो, बे मांस वधार रखो तो खर्चो वधार ला, है ना, वो सेल्समैन भी रखते ना तो सोचते बहुत थे, बोले हूँ 20,000 आप हो ने बचे काम ना करे तो मारा तो 20,000 गया नहीं। हमने अभी बात किया था ना, जिस दिन हमने रिस्क लिया उस दिन हम व्यापारी बने,
और व्यापारी बनने के बाद हम 20,000 का रिस्क लेना चाहते। सो लवली स्टोरी। 21वीं सदी का व्यापारी क्या सोचता है जानते हैं? सैलरी इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। 20,000 देने से मार्केट से 20 लाख रुपए लाए ऐसे आदमी तैयार किए जा सकते। दो सेल्समैन अगर फेल हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल्स टीम बन जाता तो करोड़ों का व्यापार हो सकता है। जो मैं अकेला दौड़ दौड़ के थक जाऊंगा ना, तब ऑटोमेटिक मार्केट से धंधा लाएंगी मेरी सेल्स टीम। और ये जब सेल्स पे या सेल्स टीम पे निवेश करते हैं ना, वो करोड़ों कमाए हैं। आप देख लीजिए, जो सेल्स की सिस्टम पे, मार्केटिंग की सिस्टम पे निवेश कर दिए, आज देखो वो कहां पर। और इसीलिए 21वीं सदी का व्यापारी ये बात समझने लगा कि सैलरी से बढ़िया निवेश को और हो ही नहीं सकता। सर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। 20वीं सदी में ये बात हुआ करती थी, सारा मानस मरता नहीं, सारा मानस मरता नहीं, अच्छे आदमी मिलते नहीं, अच्छे आदमी कहां है। 21वीं सदी वाला क्या बोलता है? अच्छे आदमी किसी को मिलते, यू आर राइट, अच्छे आदमी तो बनाने पड़ते, क्योंकि अच्छे आदमी आपको करोड़ों के रिजल्ट देते हैं। अगर आप उसके पीछे मेहनत तक नहीं करना चाहते तो दुनिया के फ्री में बैठी है जो आपके लिए ही काम करे। आपको पहले ऐसा बॉस तो बनना पड़ेगा जिसके लिए काबिल लोग आके काम करें। हम ऐसे लीडर कब बनेंगे जिसके लिए लोग आके काम करना चाहते। हमने अपने पर कभी निवेश नहीं किया, हमने अपने आप को सिखाने पर कभी मेहनत नहीं किया, हम लोगों को कैसे सिखाएं। और यही डर की वजह से सर हम क्या ढूंढते हैं? एक्सपीरियंस हो, कम सैलरी लेता हो तो मैं रखूं, फिर आपको कंपटीशन ही लगेगा। बाजू वाले को भी वही चाहिए, आगे वाले को भी यही चाहिए, पीछे वाले को भी यही चाहिए, और पूरे सूरत को कम सैलरी तगड़ा काम करे ऐसा दिला दो। आप ही के लिए बैठे ना, हाँ? उनका अकल नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, उनका बुद्धि नहीं है, वो बस ऐसे ही कोई भी दे दो मेरे को चल जाएगा। अच्छा आदमी किसी को मिलता नहीं, अच्छा आदमी 20वीं सदी का ओनर जो था ना, इंसल्टिंग बिहेवियर, कुछ भी बोल के काम निकालो, 21वीं सदी वाला हर एक को इज्जत दे। ये नए माइंडसेट की तरफ हमने कभी भी ध्यान दिया? और सबसे आखिर में सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने गलती किया है वो क्या किया है? वी हैव सो मच ऑफ कंप्लेंट। हमारे पास फरियाद बहुत है, हमारे पास फरियाद बहुत है। जैसे ही मैंने पूछा कितने प्रॉब्लम, हम सबको बहुत सारी कंप्लेंट है सर, हम सबको बहुत सारी कंप्लेंट है। हमें मैन पावर की कंप्लेंट है, हमें कंपटीशन की प्रॉब्लम है, हमें क्रेडिट की समस्या है, हमें बाजार की समस्या है, हमें निवेश की समस्या है, हमें सरकार से समस्या है, हमें मैन पावर से समस्या है, हमें टैक्सेशन से समस्या है। कितनी सारी कंप्लेन, बिचारो नानो उनको जीव कितने बैठे। इतना छोटा सा जान, नन्ही सी जान पे कितना झुलम, राइट? मजे की बात क्या है सर जानते हैं? कल भाई का फ्रेंड नाम सुन, अतुल भाई, अतुल भाई मैंने साचू को सूरत में कमेंट कितना बार पूछो, डॉन एंड बॉटम, मतलब एटलीस्ट 30 साल से सर मिनिमम है ना। इन 30 सालों में आपने कितने लोगों को सुना है ये कहते हुए कि लेबर में बहुत प्रॉब्लम थी, लेबर का बहुत दिक्कत है। और 90% को जाके पूछो कि आपने क्या किया लेबर की प्रॉब्लम की वजह से, उन्होंने कुछ भी किया, पर उन्होंने एक काम जरूर किया। क्या किया? कंप्लेन किया आपको। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी और किया? हम में से कई सारे लोगों को कंपटीशन का प्रॉब्लम है। आप सबने हाथ खड़ा किया, किया था सर? अभी अभी जिस पेटीएम का हमने बात किया जानते हैं, वो 31st कंपनी था वॉलेट बनाने वाला। मतलब पेटीएम अकेला नहीं था विजय भाई जिसने पहली बार फाइनेंस का वॉलेट बनाया, ये पेटीएम जैसा वॉलेट बनाया, ये पहला कंपनी नहीं था। इससे पहले 300 और कंपनी बना चुकी थी जिसमें से एक HDFC बैंक था। कितने? 30 कंपनी और। बस इसने क्या किया? कंपटीशन से लड़ने के लिए कुछ सोचा, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, कुछ रणनीति बनाई और आराम से सभी कंपटीशन से आगे,
अगर वो शिकायत करने लगता कि यार भारत में तुम लोग वापरता नहीं रिटर्न पछे आपरे सु कर लोग कहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लोग कहां इतने पढ़े लिखे हैं कि मोबाइल से पैसे का लेनदेन करें। अगर वो कंप्लेन करता तो 18,000 करोड़ रुपया देश उसको देता कभी सर को पूछो 1800 में शेयर लिए तो 1100 पे है ना सर वो पूरा पॉइंट अलग है इसलिए मैं उनको थोड़ा सा अपन पर्सनली बात करेंगे सर इसका आप पूरा मत मानिएगा राइट माय कंसर्न इज इसका बिल्कुल मतलब नहीं है पेटीएम गलत है या खराब कंपनी देखो वो आप पूरा बात अलग है फाइनेंस वाला शेयर मार्केट वाला कंपनी अलग लेवल पे है ना माय फ्रेंड अगर विजय शेखर शर्मा शिकायत करते तो आज कंपनी का वैल्यू 18,000 करोड़ रुपया तो नहीं होता राइट कंपटीशन का प्रॉब्लम हमारे सूरत शहर की साड़ी की सबसे बेस्ट ब्रांड है कौन है सर लक्ष्मीपति हम सब जानते हैं ना लक्ष्मीपति वंडरफुल है ना आपको नहीं लगता कि उसकी भी डिजाइन चोरी होती है और लिटरली उसके लिए काम हुआ मतलब अलग कंपनी है जो सिर्फ उसको लेने का काम करती है कि नहीं है ना हकीकत यही है आप जानते हैं एक बार ये जो हमारे लक्ष्मीपति के जो ओनर है मैं नाम भूल रहा हूँ किसी को याद हो तो बताइए संजय सराव जी है ना संजय जी से छोटी सी एक मुलाकात एक वार्ता सुनी थी उनसे उन्होंने बोला कि उनको किसी ने पूछा कि हु इज योर कॉम्पिटिटर सर आप लक्ष्मीपति जैसा बढ़िया ब्रांड चलाते हैं सूरत से हैं तो आपका भी तो कोई ना कोई यहाँ सूरत में बहुत कॉम्पिटिशन आपका भी तो कोई कॉम्पिटिशन होगा ही पता है सरावजी जी ने क्या बोला उन्होंने बोला मैंने सिर्फ टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी के पीछे 300 करोड़ रुपए का मशीनरी लगाया है पहले पूरे सूरत में कोई 300 करोड़ मशीनरी पे लगा दे फिर अपन कंपटीशन का बात करते क्या बोला ये गुरूर है क्या उनका ये अभिमान है नहीं ये तो चैलेंज है हम तैयार है कंपटीशन के लिए कोई आओ तो सही और हम क्या बोल रहे हैं ना हम मशीनरी रिन्यू कर रहे हैं ना हम मैन पावर डेवलप कर रहे हैं ना हम निवेश कर रहे हैं ना बाजार डेवलप कर रहे हैं ना नए ग्राहक के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं ना हम प्लानिंग कर रहे हैं ना हम सीख रहे हैं और फिर भी हमको शिकायत क्या है कंपटीशन बोल माय फ्रेंड सबसे अहम बात पूरे सेशन से आज कुछ लेके जाओ ना जाओ मैं एकदम काम की बात बोल रहा हूं आपको थोड़े अटेंशन से बैठकर सुनिएगा सर मजा आएगा है ना जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा कंप्लेन करते जो शिकायत करते जो अलग अलग चीजों में गलतियां ढूंढते हैं वो लोग को धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करना वो दुनिया के सबसे कमजोर लोग बनने लगते जो लोग भगवान की कंप्लेन करते जो लोग समाज की कंप्लेन करते जो लोग व्यापार के माहौल की कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं जो लोग देश की कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं जो लोग कोई भी किसी भी और चीज की पैसे की किसी भी और चीज की कंप्लेन करते हैं आप देखना धीरे धीरे वो अंदर से बहुत कमजोर होते जाते उनको लगने लगता है कि हमारे बस में कुछ नहीं ये तो दुनिया साथ देती भगवान साथ देता नसीब साथ देता देश साथ देता लोग साथ देते तो मैं कुछ करता अल्टीमेटली मैं तो कुछ हो ही नहीं उनका आत्मविश्वास गया उनका अपने पे से यकीन गया और जिसके पास खुद पे यकीन ना हो उससे कमजोर इंसान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है ना माय फ्रेंड जो लोग सबसे ज्यादा अपने आप को दोष देते हैं हेलो जो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा दोष देते हैं वो लोग इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग बनते और आज मैंने भर भर के आपकी गलतियां आपसे स्वीकार करवाई तो अभी आप कौन है एक बार जोर से हो गया तो नेक्स्ट टाइम जब बाजार में व्यापार ना मिले तो मत बोलना कि बाजार कमजोर है बोलना मेरे सेल्स में अभी भी कोई कमजोरी है नेक्स्ट टाइम जब आदमी छोड़ के चला जाए तो मत बोलना आदमी चोर होते बोलना मैंने अभी तक अच्छी टीम डेवलप करना सीखा नहीं है जब नेक्स्ट टाइम बाजार में पैसे की कमी की वजह से रुक जाओ तो मत बोलना कि पैसा नहीं है इसलिए मैं कमजोर हूं नेक्स्ट टाइम क्या बोलना मैंने अभी तक अच्छे निवेश
या अच्छे निवेशक ढूंढने का तरीका नहीं ढूंढा इसलिए मुझे प्रॉब्लम। हमेशा गलती किसका है? जिंदगी में कुछ भी हो जाए गलती किसका है? किसका है? जोर से बोलो किसका है? आज तक मैं 100 करोड़ का कंपनी नहीं बना पाया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कौन है? हम अच्छी और बेहतरीन टीम नहीं बना पाए, उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? हम अभी तक मल्टीनेशनल अच्छी ब्रांड नहीं बना पाए, उसके पीछे रीजन कौन है? मैं नहीं सीखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ही सबके लिए जवाबदार। और जिस दिन आपके अंदर ये वाली सोच डेवलप हो गई, आप दुनिया के सबसे ज्यादा जल्दी सुधरने वाले इंसानों में से, और जो सुधरते हैं ना वही आगे। वंडरफुल सर, थैंक यू। और ये बात मुझे जैकमा ने सिखाया। जानते हैं आप हुईज जैकमा? हुईज जैकमा फाउंडर ऑफ अलीबाबा डॉट कॉम, दुनिया की सबसे बड़ी, अपनी भाई दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा डॉट कॉम। इस आदमी का कहानी आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। एक बार केएफसी में वेटर का नौकरी के लिए ओपनिंग था, 24 लड़के वेटर का इंटरव्यू देने गए, 23 का सिलेक्शन हो गया, एक को भगा दिया, वो ये था। पुलिस का भर्ती हो रहा था चाइना में, 12 लोग रेस में थे, कंपटीशन में थे, 11 लोगों का सिलेक्शन हो गया, एक को घर वापस दे दिया, ये था। इसको इंग्लिश नहीं आता था, इसको अंग्रेजी नहीं आता था, इसने जिंदगी में कभी 16 साल की उम्र तक कंप्यूटर नहीं देखा था, और वो इंसान दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बना है। मेरे बात पे कभी डाउट हो माफ है तुम, लेकिन ये आदमी ने सिखाया मेरे को, क्या सिखाया पता है? एज अ लीडर यू शुड नेवर कंप्लेन। तुमसे जो होना वो करो, कंप्लेन छोड़ दो, किसी और की कोई कंप्लेन नहीं। आदमी सबसे बेस्ट, मार्केट हमारा बेस्ट, लोग हमारे आसपास के बेस्ट, मार्केट भी हमारा सूरत का भी जोरदार। अगर इस दुनिया में कहीं पे गलती है तो कहां है? दुनिया का सबसे दोषी आदमी हर बात पे अपने आप को सजा दे, राइट? यू बिकम मोर पावरफुल। यू वॉन्ट टू फील दैट पावर? डू दिस एक्सरसाइज फॉर नेक्स्ट 3 डेज। सिर्फ 3 दिन तक कॉन्शियसली इस बात को पकड़ के रखो कि आज से मुझे सिर्फ दुनिया में अपना गलती ढूंढना, एंड यू सी यू विल फील द मोस्ट पावरफुल पर्सन। अब नेक्स्ट टाइम आपको यह पता चलेगा कि अगर ग्राहक नहीं आया तो ग्राहक का गलती नहीं, मुझे अब नए सेल्स के बारे में कुछ सोचना है, मुझे मार्केटिंग को लेकर कुछ सोचना है, मुझे वॉकिंग के लिए कुछ और सोचना है, और अगर टीम नहीं बन पा रहा है तो मुझे टीम बनाने के लिए नया कुछ सोचना है। और ऐसा करते करते आपका दिमाग आपको बहुत कुछ दे देगा। आप कभी ना कभी खेत में जरूर गए होंगे सर, कभी गए खेत गए हैं सर? मैं तो बता दिया, मैं तो किसान का ही बेटा हूं, है ना, तो हमारे तो आज भी खेती बाड़ी है सर, जब भी मौका मिले मैं भी कभी कभी चला लेता हूँ। टाई कोट पहना है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन काम नहीं करते, राइट? दवाई वाई छिड़कने के लिए पापा को साथ दिए हैं कभी बचपन में, राइट? बट माई फ्रेंड, उसी किसान में या उसी खेत में आपने कभी ना कभी घास काटने की मशीन जरूर देखा हो। देखा है घास काटने का मशीन देखा है आपने? थैंक यू सर। अब सर आप ही बता दीजिए, कांति भाई के सारे दोस्त काम के, हाँ सर, जस्ट कीजिए कपिल भाई, वो घास काटने की मशीन में घास डालोगे तो क्या होगा? कट जाएगी। और एक दिन कांति भाई बोले नहीं हूं तो अंग्रेज नाथी, तो क्या करेगा? मशीन बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे अरे सॉरी सॉरी कांति भाई, मारू काम घास काट पान वहां पर तुम्हारी अंगड़ी छोड़ ना काम, बोलेगा ना? नहीं, क्या करेगा वो? द सेम वे योर माइंड इज अ थिंकिंग मशीन, योर माइंड इज अ
थिंकिंग मशीन, जोर से बोलो, योर माइंड इज अ थिंकिंग मशीन। जो विचार आने दोगे वैसे ही परिणाम वो देगा। गेटिंग माय पॉइंट सर? अगर सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो वो सॉल्यूशन देता जाएगा, कंप्लेन डालोगे तो और ज्यादा कंप्लेन सुझाता जाए। एक दिन में आपका दिमाग 60,000 विचार करता है सर, कितने? 60,000। अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, कांति भाई हो या संदीप भाई हो, है ना, मैं हूं या हेमिन भाई है, कोई भी है इस दुनिया का इंसान जो है, हर रोज 60,000 विचार आते हैं। और मजे की बात यह है कि आप उसको 59,000 भी नहीं कर सकते, 61,000 भी नहीं कर सकते, 60,000 ही रहते। मजे की बात यह है कि 60,000 विचार किस चीज के बारे में करने हैं उस पे आपका कंट्रोल है, जरूर है, होना चाहिए, नहीं है संदीप पर है, अपन चाहे वो सोच सकते, रिमोट कंट्रोल टीवी चालू रहेगा आप बंद नहीं कर सकते, चैनल आप जो चाहे वो, अभी आप कंप्लेन वाला चैनल लगाओगे तो और सोल्यूशन वाला चैनल लगाओगे तो ट्रेन योरसेल्फ। अगर पूरा दिन रात समाचार देखते रहोगे तो लगता है दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कल अपने को कोई मार ही देगा। और उसी टीवी पे कुछ अच्छा क्रिएटिव बढ़िया कुछ सिखाने वाले कार्यक्रम देखोगे तो आपको क्या लगता है, दुनिया इज सो अमेजिंग, द वर्ल्ड इज सो अमेजिंग, इस दुनिया में कितना कुछ किया जा सकता है। योर माइंड इज ऑल्सो टीवी, राइट? सो माई फ्रेंड, माई बिजनेसमैन, माई कलीग्स, हेलो माई फ्रेंड, ये बातें जो आज आपने सीखी, उम्मीद करता हूं जिन्होंने आपको यहां पे इनवाइट किया उनको जोरदार खुद करके, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो उनको बिल्कुल गलत है। और जो बातें आज मैंने आपसे की है वो मैं पूरे भारत के बिजनेसमैन को समझाना चाहता हूं। आपको लगता है मैं सही काम कर रहा हूं? Yes. बस इतना ही बात सर, जो आज बोला ना उतना ही मेरे को पर हर भारतीय बिजनेसमैन को समझा देना, yes, है ना? Yes. ये जो आज का सेशन है वो YouTube पे आपको मिल जाएगा। Okay. आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में क्या मिलेगा सर? अच्छा गुरु हूं सर, मानते हैं, थोड़ा सा मतलब, है ना, कम से कम कितना शेयर करेंगे? सर पूरे इंडिया में डीलर बना रहे हैं आजकल, हाँ, व्यापार 4 गुना किए हमसे जोड़ के, और शेयर कितना बोल रहे हैं? Yes. इनको थैंक यू मत बोलना, हम साथी हो गए आपसे मिलने के बाद में, साथी हो गए तो हमसे मिलकर साथियों का मतलब क्या है? अच्छा तो आप ये बोलना चाहते हैं कि दूसरा ना सीख के डीलर कैसे बना रहे हैं? क्या बात है, देखो, है ना? अमेजिंग, थैंक यू सर। माय फ्रेंड, आई वांटेड टू शेयर यू अ लास्ट स्टोरी विद ऑल ऑफ यू, एक अच्छा सा आखिरी कहानी आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप ऑलरेडी बात को समझ चुके हैं, आई थिंक वी हैव गुड टाइम इनफ, वी हैव लिमिटेड टाइम, ओके जल्दी से बता देता हूं, बस बताना तो है ही, थोड़ा वेट कर लेंगे यार घर जाने में, कोई जल्दी तो नहीं है घर जाने का, किसी को कोई अपॉइंटमेंट देके आए हो, आप अंकलेश्वर से आए, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? भाई हमारे जेडी भाई है, जेडी भाई अंकलेश्वर में उनका ऑयल का इंपोर्ट का बिजनेस है, राइट? एंड आई एम हैप्पी कि हम जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उससे दूर दूर से आपके लोग हमको अच्छे से हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। माय फ्रेंड, आज मैं यकीन मानिए भूले में थोड़ा हंसी मजाक में काम करूं, काम बहुत सीरियस होते हैं मेरे, है ना? तकरीबन एक साथ में 12 से 15 कंपनी का कंसल्टिंग शुरू होता है, 600-700 लोग ट्रेनिंग में आते हैं, हर किसी को यही उम्मीद होता है कि मुझे सबसे बेहतरीन अच्छे सॉल्यूशन आप जल्दी जल्दी दे दे, राइट? इस वजह से थोड़ा बिजी रहता हूं, है ना, अक्सर फोन कॉल्स वगैरह पे जल्दी नहीं मिल पाता आप लोगों को या जल्दी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन सर इतना बिजी होता हूं शाम को घर जाता, एक छोटी सी नन्ही सी मेरी बच्ची है, है ना, जितनी अपेक्षाएं आप लोगों की टोटल मिला के होती है उससे ज्यादा अपेक्षाएं उस नन्हे से प्यारी भरी जिंदगी को भी मुझसे होती है।
तुझसे एक अपेक्षा है कि पापा अगर घर आए तो फिर मेरे साथ खेले। एक दिन मैं ऐसे ही घर गया सर, काफी थका हुआ था, पूरा दिन सेशन लिया था, काफी सारे कंसल्टिंग मीटिंग किया था, दूसरे दिन कहीं पे प्रेजेंटेशन भी मुझे देने। तो मैंने उससे बोला कि बेटा आज मैं आपसे नहीं खेल सकता, पापा को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम कल खेलेंगे। बट वो भी मेरी बेटी थी, मैं अगर आपके सामने इतना जिद कर सकता हूं तो वो मेरे सामने कितना जिद करती होगी, है ना? डबल होगी सर, है ना? तो उसने भी मेरे सामने जिद किया, बोला मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। तो फिर मैं बोला कि चलो अभी थोड़ा कंसल्टिंग बुद्धि लगाते हैं, इस पे पूरी दुनिया का सॉल्यूशन निकालते हैं, अपना भी तो कुछ करें। तो मैंने ना सर एक वर्ल्ड मैप लिया जयदीप भाई, वो दुनिया का नक्शा मैंने ले लिया और दुनिया के नक्शे को 8-10 हिस्सों में फाड़ दिया और फाड़ कर मैंने अपनी बेटी को दिया। बेटी को क्या बोला, बेटा तुम जरा इस नक्शे को बिल्कुल अच्छे से बना के लेके आओ, फिर पापा आपके साथ खेले। दिमाग अच्छा है ना अपना, सोल्यूशन निकाला ना एकदम बढ़िया है। अभी 2-3 घंटे तक वो, और उसको कहा वो नन्ही सी जान है, उसको कहा मालूम है कि वो कैसे जोड़ना है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, नेपाल किधर है, भारत किधर है, भूटान किधर है, उसको थोड़ी मालूम है ना। तो अभी अपन अपना काम करेंगे, फ्री होंगे तब खेलेंगे, या करते करते वो सो जाए। बट टू माई सरप्राइज सर, ये नन्ही सी बच्ची पूरा नक्शा 15 मिनट में लेकर आए, बोले प्रभा डैडी दिस इज योर वर्ल्ड मैप, देख लो बराबर। बेटा तेरे को पता था ऑस्ट्रेलिया किधर है, ऑस्ट्रिया किधर है, इंडोनेशिया किधर है, यूरोप किधर है, सब पता था। बोले नहीं पापा मेरे को तो कुछ भी नहीं पता ये सब क्या होगा। असल में उस नक्शे के पीछे एक इंसान का चेहरा, मैंने इंसान को ठीक किया तो दुनिया अपने आप ठीक हो गई। कोशिश कर रहे हैं मार्केट सुधरे तो मैं काम करूं, सरकार ठीक से काम कर ले तो मैं काम करूं, ग्राहक ठीक समझदार हो जाए तो मैं व्यापार करूं, टीम अच्छा मिल जाए तो मैं अच्छा व्यापार करूं। अभी से लेकर कुछ क्या कहा जाता है कि प्रलय आएगा जिस दिन दुनिया का विनाश हो जाएगा, तब तक अपन वेट करते हैं। तब तक में ऐसा जब टाइम आएगा तभी अपन व्यापार करेंगे, राइट? और उससे उल्टा क्या हो सकता है, उससे उल्टा क्या कर सकते हैं, उनको सुधारने की राह देखने से बेहतर है। इंसान को सुधारने से दुनिया अपने आप, राइट सर। सो मुझे जो आज आपको सिखाना था या मुझे बताना था वो मैंने आपको बताया। मुझे हमेशा ये अपेक्षा होती है कि जो इंसान यहां तक पहुंचे हैं उनमें कुछ तो खास बात हो, या तो अपने नेटवर्क में अच्छे लोगों को रखते हैं इसलिए आप यहां पर हैं, या तो आप सीखने का जज्बा रखते हैं इसलिए आप यहां पर हैं, या फिर अपनी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई अच्छा रीजन आपका जरूर होगा तभी आप इस कुर्सी पे बैठे। और ऐसे लोगों से मेरी अपेक्षा होती है कि जो 5 अच्छी बातें सुनते हैं उनमें से बढ़िया शिक्षा निकाल ही लेते हैं। मेरे काम का क्या कहता है, आज के पूरे दिन में मुझे आपसे यही अपेक्षा है कि मैंने चाहे 3 घंटा या 4 घंटा आपको जो भी बताया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आज कौन सी 3 बातें आप यहां से लेके जाने वाले हैं। मेरा सिखाने वाला काम पूरा हुआ, सेशन पूरा नहीं हुआ, बट अभी हम जो जिस काम के लिए आए हैं उसकी शुरुआत करेंगे, राइट? सो माय फ्रेंड आई वॉन्ट क्विक रिकैप, जल्दी जल्दी मुझे बताइए व्हाट यू लर्न टुडे, आज के पूरे कामकाज से, आज के मेरे 3 घंटे की बातों से आपने क्या लिया? हाँ जी, गुड लीडरशिप, वंडरफुल, फॉर मनी, डोंट ऑलवेज नॉट वर्क फॉर मनी, डोंट वर्क फॉर मनी, रॉन्ग टाइम थिंकिंग, वंडरफुल, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, वंडरफुल। जहां पे हम 20% अपना काम देते हैं वहां पे 80% टाइम वेस्ट करते हैं, वंडरफुल, थिंक मोर ऑन 20%। एग्जैक्टली, इफ वी आर वर्किंग ऑन लो वैल्यू वर्क हम समय ज्यादा दे रहे हैं, रिजल्ट हम ऑपरेशनल कामों से फ्री होना है, स्ट्रेटेजिक कामों पे जाना है। यस सर, जो सफल होने का प्लान नहीं करते वो अल्टीमेटली असफल होने का प्लानिंग कर रहे हैं। वंडरफुल, आज मैं जो हूं जैसा हूं उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, दुनिया उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्ट करना है।
आगे बढ़ना है तो अपने आप पे सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ब्यूटीफुल मल्टी प्लानिंग वर्क. ओके वंडरफुल. हाँ नेवर टीवी पे कौन सा चैनल लगाने का सीखने वाला कंप्लेन वाले चैनल अपने को चाहिए. वंडरफुल सर. व्हाट एल्स. वैल्यू फॉर टाइम. सीखना भूलना नहीं. सीखना कभी भूलना नहीं. वंडरफुल सर. वेरी ब्यूटीफुल सर. करोड़ों रुपया फैक्ट्री पे लगाते हो थोड़ा बहुत सीखने पे भी है. और अगर आज के सेशन के लिए आपसे 2000 रुपया चार्ज भी किया गया होता तो अभी शौक से भरते के नहीं भरते. मांगूंगा नहीं. हाँ बिंदास बोलता. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप निवेश करके भी ऐसी चीजें सीखते हैं तो आपको कोई पछतावा होगा नहीं. ब्यूटीफुल सर. वंडरफुल. ओके एनीथिंग एल्स. लास्ट दो मौके मिले तो कौन कौन बोलना चाहेगा. यस सर. हाँ जी तो खर्चापति नहीं बनना है. हाँ करोड़पति बनना है. वंडरफुल. वेरी नाइस सर. ओके लास्ट इट. यस सर. मेक अ ग्रेट टीम. गुड से तो अपना भरता ही नहीं है सर. हमेशा क्या बनाने की कोशिश करेंगे. ग्रेट टीम. यकीन मानिए जिंदगी में एक्सेलेंट का ही ट्राई करने का. मीडियोकर काम करने की कोशिश ही नहीं करने का है ना. एक्सेलेंट का कोशिश करेंगे तो ठीक ठाक हो ही जाए. कोशिश ही ठीक ठाक ही करोगे तो. गॉट माय पॉइंट. वंडरफुल सर. एक बार हाथ से.